الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمسیر و سینا اول طاووس و رباب آخر حضرات علماء اور حاضرین مجلس دنیا میں بہت سی بیماریاں جسمانی بیماریاں بھی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا اور وہ اندر اندر کام کرتی جسمانی بیماریاں تلاش کی جاتی اور اس کا علاج کیا جاتا ہے اور جس بیماری کا پتہ نہ چلے وہ بیماری انسان کو ہلاک کر دے ایسا ہو سکتا ہے اسی طرح کچھ روحانی بیماریاں روح کے امراض ہیں تکبر ہے کینہ ہے کپٹ ہے بغض ہے عداوت ہے یہ بھی سب بیماری ہیں لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک بیماری غفلت ہے بھائی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی حضرت غفلت ہو گئی آپ کھانے بیٹھے ہیں آپ نے حلال اور حرام کا امتیاز نہیں کیا بھوک لگی ہے جو آیا کھا لیا بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا غفلت ہو گئی حضرت آپ صاحب نصاب ہیں حج میں کیوں نہیں گئے حضرت بس غفلت صبح میں آدمی کی غفلت زیادہ ہو جاتی ہے علماء نے لکھا
कि फजर की नमाज अल्लाह ताला से मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर फजर में नमाज अदा कर दी तो शैतान की टांगे टूट जाती है, शैतान कमजोर पड़ जाता है। और जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, हदीस शरीफ में फरमाया कि शैतान इसके कान में पेशाब कर देता है और इसको चारों नमाजों से गाफिल कर देता है। जो रात नमाज पढ़कर नहीं सोता, शैतान उसको थपकियां देकर सुला देता है, सो जा अभी रात बहुत, वो सो जाता है। नमाज न पढ़ने वाले की गर्दन में शैतान तीन गिरहें लगाता है और ये गिरहें उसे सुला रखती, गफलत की गिरहें। ये गिरहें कब खुलेगी? जब सुबह वुजू करने के लिए उठता है तो एक गिरह खुल जाती है। जब वुजू का पानी चेहरे पर डालता है दूसरी गिरह खुल जाती है, और जब अल्लाह अकबर कहता है तीसरी गिरह भी खुल जाती है। तो खतरनाक चीज क्या है? गफलत, निगलेक्ट। दुनिया की जिंदगी में देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं, एक मिनट के लिए गफलत हो जाए तो अंजाम मौत भी हो सकता है। शैतान हमें गफलत में डालकर हमारे ईमान को मौत के घाट उतार खत्म कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। मैंने बताया कि वो बीमारी जिसके बारे में इंसान को पता ना चल सके, वो खतरनाक बीमारी। आइए अब आपको एक दो मिसालें देता हूं। नाम सुना होगा ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह वालों की बातों को पढ़ा करो, अल्लाह वालों की बातों को सुना करो, उलमा से ताल्लुक रखो। ये उलमा आपके लिए मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं। ये उलमा की कमेटी ने आज आपको जमा किया है ताकि आपके दिल में कान में आपके कान में दीन की कोई बात पड़ जाए। भाई कोई भी एक अच्छी बात कान में पड़ गई तो हमारा एक घंटा बैठना ये मुफीद हो जाए, कारामत बन जाए। फबशिर रिबाद, अल्लाह फरमाते हैं नबी अल्लाह के बंदों को बशारत दीजिए। الذين يستمعون القول, जो अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, فيتبعون احسنا, और उनमें से अच्छी बातें चुनकर अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं। اولئك الذين هداهم الله, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाया, और ये अकलमंद लोग हैं कि इनको बैठने का मकसद मालूम है, सुनने का मकसद मालूम है। फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह पहले बहुत बड़े ताजिर थे, तिजारत भी सुन्नत है,
हदीस शरीफ में फरमाया अताजिरुस सदूकुल अमीन, अमानतदार ताजिर, मान नबीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, ये कयामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा, सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा, सालिहीन के साथ उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा, उनके साथ इसका रहना बसना होगा। और अगर खयानत कर दी तो फिर अजाब का इंतजार करो, परेशानियों का इंतजार करो, हलाल हराम की तमीज न की तो हालात आएंगे। देवबंद में एक बड़े मियां थे, उनका नाम अब्दुल्ला शाह। देखो रोजी कैसे कमाई जाती, ये रोजाना जंगल में जाते थे, घास काटते थे, घास की पुलिया बनाते थे और बाजारे देवबंद में आकर बेच देते थे। उस जमाने के एतबार से उनको दो पैसे मिलते थे, एक पैसा अपने घर के इस्तेमाल के लिए, आधा पैसा गरीबों का और आधा पैसा उलमा के लिए। आज कौन उलमा के लिए जमा करता है? आधा पैसा उलमा के लिए। देवबंद में उलमा उनकी दावत का इंतजार करते हैं कि कब दावत देंगे। दावत के अंदर कोई शानदार खाने नहीं होते थे, सादे चावल होते थे, और ये सादे चावल भी दो लुकमे हाथ में आते थे, कभी एक लुकमा हाथ में आता था। लेकिन जो चावल बनाने वाला बावर्ची है मुसलमान होता था और उसको वुजू कराते थे, पाक पानी लेते थे, उससे चावल तैयार करते थे, शाम को उलमा की दावत करते थे, लुकमे पे लुकमा लोग खा लेते थे। और फरमाते हैं कि ये एक लुकमे के अनवार 40 दिन तक रहते थे। अनवार रहने का मतलब क्या है? अनवार रहने का मतलब यह है कि नमाजों का शौक हो जाता, रिश्ते हलाल से नमाजों का और इबादत का शौक बढ़ता है, हलाल कमाई से नूर पैदा होता है। और सुन्नत पढ़ते हैं तो नफल का ख्याल आता है, नफल पढ़ते हैं तो मुस्तहब का ख्याल आता है, सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है। इसलिए फरमाते हैं कि उलमा मुंतजिर रहते थे कि वो लुकमा मिले और वो लुकमा खा लें और 40 दिनों तक इबादत का मजा पाए। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी दुकान खोली सुबह में, बहुत बड़ा केमिस्ट था। अत्तार किसको कहते हैं? पहले जमाने में अत्तार केमिस्ट को कहते थे, जिसके यहां तरह तरह के खमीरे मिलते थे, कुश्तजात मिलते थे और इतर भी मिलते थे। आजकल के इतर तो असली नहीं होते, पानी मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है, 10 रुपये में जन्नतुल फिरदौस हासिल करने की कोशिश की जाती है। जन्नतुल फिरदौस के हासिल करने के लिए तो बड़ी मेहनतें दरकार है। हदीस शरीफ में वाकया बयान किया है,
बहुत दिलचस्प बातें हैं। नौजवानों, अपने आप को तैयार करो, मुजाहदा आएगा तो कौमें उरूज तक पहुंचेगी। और जब आपके मिजाज में नाचना गाना बजाना आ जाएगा, तबाही आ जाएगी। मुजाहदा कौमों को बुलंद करता है और जेब और जीनत फैशन आपको तबाह और बर्बाद कर दे। बद्र के मौके पर हुजूर ने ऐलान फरमाया, कौन है अल्लाह का बंदा जो बद्र में मेरे साथ चले। हारिसा ने घर में ऐलान सुना, हारिसा इब्न सुराका, बुखारी की रिवायत, मां से जाके कहा, मां मैदान में जाने का वक्त है। आज बच्चा जवान होता है तो फॉरेन जाने की फिक्र करता है, कुवैत जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मौलाना मेरा इंटरव्यू है इंग्लैंड जाने के लिए, मैं अमेरिका जाने वाला हूं, इंटरव्यू है। मैंने पूछा इंटरव्यू में क्या होगा, 100 क्वेश्चन। कितने? 100 क्वेश्चन होंगे और मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, सूरह इखलास याद नहीं, सूरह कौसर याद नहीं, लेकिन मौलाना उसके लिए मैं तावीज नहीं मांगूंगा। मैं तावीज इसलिए मांगता हूं कि मुझे ये 100 सवाल ऐसे याद हो जाए तोते की तरह और मैं अमरीका चला जाऊं। फिर कहता है मौलाना ऐसा तावीज देना कि जो वीजा का सिक्का लगाता है वो अंधा हो जाए। बस उसे मेरा पासपोर्ट और सिक्का दो ही चीज नजर आए। आज हम दुनिया के लिए इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं दोस्तों, आखिरत के लिए हमने क्या किया है? नमाजों के लिए क्या किया है? कुरान की बात अभी मौलाना कर रहे थे, कुरान के लिए हमने क्या किया है? वो जमाने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर और हम जरा परेशान हैं तारे के कुरान हो। कितने घर हैं जिसके अंदर कुरान की तिलावत होती? कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुरान ना हो, लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं कि तिलावत की है। तिलावत को रायगान समझते हैं, तिलावत को बेकार समझते हैं, हालांकि हर हर पर अल्लाह ताला ने 10 नेकियों का वादा फरमाया है। हारिसा ने अम्मी जान से कहा, मुझे तो मैदान जंग में सरकार के साथ जाना है, मुजाहदा करना है, कुर्बानी देना है। अपने जान को लुटाना है, मैं जाऊंगा। मां ने कहा, मेरे अकलौते, इससे बढ़कर सआदत कोई नहीं कि तू दुनिया का दुल्हा बने उसके बजाय तेरा गला कटे और खून की नदियां बहे और तू जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाए। जा बेटा, अभी नाम लिखा। बेचारा जमात में जाता है, 3 दिन जाता है, 30 मरतबा घर पे फोन करता है, तू कैसी है? मैंने कहा किसको फोन किया? तो मैंने कहा ये वाइफ को फोन किया। मैंने कहा ये वाइफ नहीं है, नाइफ है, तेरे को काट डालेगी, खत्म कर डालेगी।
इसलिए बहुत सी जमातों में जाने वालों के मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं कि ताल्लुक रब्ता घर से न रहे, अल्लाह से रहे। अल्लाह से जुड़ो ना, अल्लाह के घर में आए अल्लाह से जुड़ने वाले बन जाओ। नमाजों से आदमी अल्लाह से जुड़ता है, कुरान पढ़ता है तो अल्लाह से जुड़ता है, जिक्रुल्लाह करता है तो अल्लाह से जुड़ता है। हारिसा चले गए, नौजवान हारिसा, शादी भी नहीं हुई है और शहादत की तमन्ना लेके निकले। दीन ने यूं तरक्की नहीं की दोस्तों। जब ऐसे बड़े बड़े मुजाहदे और ऐसी कुर्बानियां दी तो अल्लाह ताला ने कौम को उरूज अता फरमाया, सहाबे किराम को कामयाबी अता फरमाई। कामयाबियां कुर्बानियों के जरिए से आती है, कौमें तरक्की करती है कुर्बानियों के जरिए से। और जब ऐशो इशरत आ जाती है आदमी बर्बाद हो जाता है, कौमें तनद्दुल पतीर हो जाती है। हारिसा गए और हुजूर ने काम सुपुर्द किया, जाओ बेटा हारिसा, सामने जो पानी जमा किया हुआ है ना मशकीदे में ले आओ। मशकीदा लिया और चश्मे के पास गए, चश्मे पर पानी भर रहे थे कि अचानक गले में एक अजनबी तीर आ गया। सिहामुन गर्बुन के माने अजनबी तीर आया, गले में ऐसा फंसा कि हारिसा तड़पे और वहीं जान दे दी। नौजवानी में शहीद हो गए। मुसअब इब्ने उमैर को जानते हो? मुसअब इब्ने उमैर वेल स्टाइल नौजवान थे, बालों का स्टाइल, आजकल तो पता नहीं कैसे बाल बनाते हैं, समझ में ही नहीं आती। पैजामा भी पहनते हैं तो वो फटा हुआ, उसका नाम जींस है, जो हम जींस के लिए। बहन भी पहन ले, भाई भी पहन ले। भाई ने उतारा तो बहन पहन लेती है, बहन ने उतारा तो भाई पहन लेता है, खर्चा कम हो गया। यहां से फटाए वहां से फटाए। मेरा ड्राइवर है, वो एक दिन ऐसी फटी हुई पैंट पहन कर आया। मेरे बच्चों ने कहा कि अब्बा ये ड्राइवर साहब को कुछ मदद कीजिए, बेचारे गरीब हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बिचारों की पैंट चार जगह से फटी। पैंट पहनता है तो कैसी? बिल्कुल कूल्हे की हड्डी पे पहनता है, टखनों से नीचे पैजामा लटकाना हराम है। मंजर इजारुहुल खुयला जुरजेरा बिन नारे यौमल कयामा, बुखारी की रिवायत। टखनों से ऊपर पैजामा पहना करो, दाढ़ी बेहतरीन रखा करो, अपना तशख्खुस बरकरार रखो। आप कहते हैं ये यूं करते हैं, ये यूं करते हैं, दूसरों की शिकायत मत करो, अपने इंट्रोडक्शन को अच्छा बनाओ। कोई देखते ही तुम्हें कह ले कि तुम मुसलमान हो, ऐसे बन जाओ। सर पे टोपी रखा करो, ये इज्जत की अलामत है। हिंदुस्तान का झंडा लहराने का उसी शख्स को हक है जिसके सर पे टोपी हो। तो ऊपर से तो वो कूल्हे तक पहनता है, नीचे से पैजामा इतना जमीन पर घसटता है कि नीचे के पैंसे गंदे हो जाते हैं।
पायजामा कहता है कि भाई अच्छी तरह पहन ले या अच्छी तरह मुझे उतार दे, ये तो कोई पहनने का तरीका नहीं। सरकार को पता चला कि हारिसा शहीद हो गए, शहादत बहुत बड़ा शर्फ है, हर मोमिन के दिल में जज्बा होना चाहिए शहादत का, अल्लाह के दीन के लिए मर मिटू, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां देने वाला बन जाऊं। सरकार को पता चला हारिसा शहीद हो गए, सरकार दौड़े, चश्मे पर गए, गोद में ले लिया। हाय हाय क्या नसीब है, सरकार की गोद नसीब हो, और गोद में उठाकर सरकार ने फरमाया ए अल्लाह अभी दोपहर तक मैं इससे राजी था, तू भी राजी हो जा। हारिसा का तो बेड़ा पार हो गया। इधर मां जब बद्र के लोग खुशियां मनाते हुए आ रहे थे तो हारिसा की मां पूरी बॉडी के ऊपर चादर लपेट कर बाहर निकली। किसी ने कहा तेरा बेटा तो शहीद हो चुका है, कहा मुझे पता चला है इसीलिए मालूम करने के लिए मैं निकली हूं। किसी ने इम्तिहानन कहा कि जब तेरा बेटा इंतकाल कर गया, नौजवान बेटा इंतकाल कर गया, तो तुझे मातम करना चाहिए, याद रहे कि इस्लाम से पहले मातम था, इस्लाम के बाद सब्र आ गया, इस्लाम ने सब्र का जान दे दिया, मातम को ना कहा। मन दरबल खुदूदा वशक्कल जुयूबा वदा बिदा वल जाहिलियति फलैसा मिन्ना, जिसने अपने रुखसारों को तकलीफ की वजह से पीटा, सीने टूटे, बाल नोचे, हुजूर ने फरमाया जमाते मुस्लिमीन में से नहीं है, सब्र और तहमुल का इजहार करना पड़ेगा। आंसू बह रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह के फैसले पर राजी रहना पड़ेगा, ये ईमान है दोस्तों, इसी को ईमान कहते हैं कि गम में भी अल्लाह के फैसले पर राजी रहना, खुशियों में अल्लाह ने जो हद बयान की है उससे बाहर न निकल। हारिसा को तो बद्र में दफनाया गया रदी अल्लाह ताला, और अब सरकार आ रहे हैं, औरत ने चादर लपेटी हुई है, अरे तेरा बेटा मर गया और तूने चादर इतनी ज्यादा लपेटी हुई अपने बॉडी के ऊपर, पर्दा इतना कर रही है तू। लड़की ने औरत ने जवाब दिया मेरा बेटा मरा है लेकिन मेरी हया जिंदा है, मैं बाहया हूं, इस्लाम ने मुझे हया के सबक पढ़ाए, मैं गाफिल नहीं हूं, मैं चौकन्ना हूं, बेदारी के साथ जिंदगी गुजार। सरकार के दरबार में आई, मैं वो जन्नतुल फिरदौस आपको बताना चाहता, सरकार के दरबार में आई, आकर कहा आका मेरे बेटे का क्या हुआ, जवाब दिया वो शहीद हो गया, अल्लाह के यहां पहुंच गया। तो आका मेरे बेटे को जन्नत मिली कि नहीं, हुजूर ने फरमाया दीवानी जन्नत छोटी नहीं है, ये दुनिया की जमीन छोटी है, 15x45 का मकान मिलता है, लेकिन जन्नत बहुत वसी, एक जन्नत से लेकर दूसरी जन्नत तक का फासला आसमान और जमीन के बीच में जितना फासला है इतना है, ऐसी अल्लाह ने 100 जन्नतें बनाई,
और तेरा बेटा जवानी में कुर्बानी दे गया, इसलिए अल्लाह ने उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह था। हदीस शरीफ में फरमाया कि जब मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगना, वो आला दर्जे की जन्नत है। वाकया चल रहा है फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह। फरीदुद्दीन अत्तार ने सुबह में दुकान खोली। जिन लोगों की दुकानें हैं वो याद रखें, सुबह में अल्लाह के नाम से दुकान खोलो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह ताला रोजी में बरकतें अता फरमाए। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ताला खोलते वक्त ये तीन वदाई पढ़ दिया करो। दुकान में बैठो तो आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरतुल बकरा का विर्द करो, बस दुनिया पर नजर मत रखो, अल्लाह की जात पर नजर रखो। रोजी का देने वाला अल्लाह है, दुकान खोलना आपका काम, रोजी देना अल्लाह का। दावत के काम में लोग चलते हैं तो समझाया जाता है। अब इत्तेफाक से बात यह हो गई कि हम लोग कोई बात कहते हैं तो लोग नहीं मानते, जमात वाला कहेगा तो मान जाएंगे। अमीर साहब ने कहा, अरे मौलाना साहब कह रहे हैं उसमें क्या है? दावत का काम, तबलीग का काम और मदरसे का काम एक है, सबको मिलके करना है। डिपार्टमेंट मत बनाओ। एक आदमी के हाथ में कोहिनूर है, कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर है, अचानक उसके हाथ से कोहिनूर गिर गया, तीन टुकड़े हो गए। तीन आदमी खड़े हुए थे, हर एक ने एक एक टुकड़ा उठा लिया। अब हर आदमी दावा करता है मेरे पास कोहे नूर है, वो कहता है मेरे पास कोहे नूर है, वो कहता है मेरे पास कोहे नूर है। एक समझदार आदमी आया, उसने बताया कि तीनों के पास कोहे नूर है। ये दीन जो है ना, ये वन पीस कोहे नूर है, ये गिरा और तीन टुकड़े हुए, दावत और तबलीग और खानका और मदरसा, ये तीनों कोहे नूर है। ये अलग नहीं है, ये एक है, सबको मिलकर काम करना है, एक दूसरे के काम में हाथ बटाना है, इख्तिलाफ को खत्म करना है, झगड़ों को मिटाना है, तब जाकर के उरूज पर आएगी कौम। फरीदुद्दीन अत्तार ने दुकान खोली तो दुकान में, हमारे यहां सूरत में कपड़े का कारोबार ज्यादा है, कपड़े अलग अलग किस्म के आते हैं। एक कपड़ा आता है जैकार्ड, रमजान में एक मेहमान ने दुकान खोली, माफ करना मेहमान का नाम ऐसे ही आया, उसने दुकान खोली, बैठा, एक काले पाकिट वाला आया। काला पाकिट सफीरों के पास होता है, माशाल्लाह मदरसे का चंदा कर रहे हैं, पाकिट 5,000 रुपए का लेके घूम रहे हैं, लोग समझ जाते हैं कि ये सफीर है। वो पाकिट लेके आया बिचारा, आते ही उसने पूछा ज़कात है? नहीं नहीं कि मैंने सब ज़कात दे दी, अभी कोई ज़कात नहीं। भाई मैं जैकेट लेने आया हूँ, ज़कात लेने नहीं है, जैकेट कपड़ा पूछ रहा हूँ, वो है कि नहीं तुम्हारे पास? जैकेट कपड़े की बात करता हूँ, ज़कात की बात नहीं। सुबह दुकान खोली, साफ सूफ किया, इतने में एक फकीर आ गया। ये फकीर जगाने के लिए आया, जिंदगी बदलने के लिए आया था, इनकलाब लाने के लिए आया था कि निकल दुनिया से, जंगल में चला जा, अल्लाह का वली बन जा,
अभी दुनिया का ताजिर है, अब दीन का ताजिर बन जा। तिजारत अंतुंजी कुन बिन अजाबिन अलीम का मिजदाक बन जा। इन्होंने दुकान खोली, अपने काउंटर पे खड़े हो गए। फकीर आया, उसने एक बोतल बताई, ये बोतल कितने की है? फरीदुद्दीन अत्तर ने कहा, तेरा काम नहीं है भाई, 1000 दीनार की ये बोतल है। तो उसने दूसरी बताई कि वो कितने की है, क्या वो 500 की है। तीसरी बताई तो भाई तेरा काम नहीं है, काय को मेरा दिमाग खाता है, खाली टाइम पास मत कर। लोग सफर में जाते हैं तो स्टोरी की बुक लेते हैं, टाइम पास टाइम पास टाइम पास। अरे कुरान लेके जाओ, किताबें लेके जाओ, मुसल्ला लेके जाओ, तस्बीह लेके जाओ, अपने वक्त को कारामत बनाओ। ये कहानियों से कुछ नहीं होगा, जो होगा कुरान करीम से हो। कुरान करीम की तिलावत करो, स्टेशन पर बैठे नजरों को बचाओ, गाड़ी में बैठे गैर महरम से अपने आप को बचाओ, कुरान की तिलावत करो। कुरान नहीं आता तो दीनी किताबें देखो, दीनी किताबें जिस जबान में आपको आती है वो पढ़ो। आज किताबों के पढ़ने की जरूरत है, हम लोग दीन से बहुत नावाकिफ हैं, गफलत के साथ जिंदगी गुजार रहे। वो फकीर ने एक जुमला कह दिया, फकीर ने कहा, ताजिर साहब आपकी मौत कैसे आई, क्योंकि आपके पास तो दुनिया जमा है, 1000 दीनार का तोला खमीरा बेचते, 500 दीनार का तोला खमीरा बेचते हैं, आपकी जान निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि एक बोतल में से निकलेगी तो दूसरी बोतल में फंस जाएगी, दूसरी बोतल में से निकलेगी तो तीसरी बोतल में फंस जाएगी, तुम्हारी जान निकलना मुश्किल है। खाजा साहब ने फरमाया, जान तो तेरी भी निकलने वाली, खाली मेरी निकलेगी ये तो है नहीं। कितनी गफलत में जिंदगी गुजर रही, जान तेरी भी निकलने वाली है, तेरी कैसे निकलेगी, जैसी तेरे निकलेगी ऐसी मेरी निकलेगी। फकीर ने कहा, तुमको देखना है मेरी जान कैसे निकलती है। कहां देखना है, सामने दुकान के बेंच है ना, ये बेंच पर मैं लेट जाऊंगा, शाम को मेरी लाश उठा लेना और कफन पहनाकर नमाज पढ़कर दफना देना। फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा, ऐसे भी कोई आदमी थोड़ा मरता है, मरना भी आसान काम नहीं है। एक साहब के सामने मैंने पेपर रखे, तो मेरा काम जरा कर दीजिए। उसने कहा, मेरे पास मरने का टाइम नहीं, तू पेपर लेके आया, मेरे पास मरने का टाइम नहीं, वक्त पर मौत आने वाली है। इन्ना अजलल्लाही इज़ा जा अला युअख्खर, हर आदमी को अपनी आखिरत की तैयारी करके रखना है। मेरे नबी ने फरमाया, 3 रातें ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए कि तुम्हारा वसीयत नामा तुम्हारे तकिए के नीचे मौजूद ना हो। आदमी वसीयत के नाम से घबराता है कि अभी मेरे को कहां मरना है, लेकिन मौत आती है तो कह के नहीं आती। मौलाना यूनुस पटेल साहब, जो हाशिम अमला के पीर है, हाशिम अमला साहब बहुत बड़े क्रिकेटर, एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले पहुंच गए, देखा कि अभी 4 घंटे देर है, सीधे एयरपोर्ट की मस्जिद में गए और 4 पारे कुरान की तिलावत की।
यह है हाशी मामला। जब आदमी अल्लाह वालों से मिलता है और उससे ताल्लुक कायम करता है तो अल्लाह ताला उसकी इस्लाह फरमाते हैं, उसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। दाढ़ी का एक बाल भी नहीं तोड़ा अल्लाह के बंदे ने और मैदान क्रिकेट के अंदर शहसवार बनकर रहा। जब वो खेलने के लिए आया तो एक कमेंटेटर ने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट, ये टेररिस्ट जैसा लगता है। अगरचे बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया इस जुमले की वजह से, लेकिन जब हाशिम अमला साहब को पूछा कि अखबार में आपने जब पढ़ा कि आपको कमेंटेटर ने दहशतगर्द करार दिया तो आपका रद्द अमल क्या था, फरमाया मैंने उसको माफ कर दिया क्योंकि मेरे नबी ने माफ करना सिखाया, इसलिए मैंने माफ कर दिया। क्रिकेट के एसोसिएशन ने उनको मुकल्लफ किया कि शराब का लोगो लगाकर खेलना पड़ेगा। फरमाया टीम से बाहर जाना मंजूर है लेकिन शराब का लोगो लगाना हराम है, नहीं लगाऊंगा। दाढ़ी का एक बाल टूटे मुझे मंजूर नहीं, यह सुन्नत है मेरे सरकार की। हम लोग खाली खाली क्लीन शेव करते हैं, इससे क्या होता है। शाम का वक्त हुआ और मुलाजिम ने याद दिलाया कि हजरत वो फकीर जो है सुबह से बेचारा लेटा हुआ है, उसको कुछ खाना तो दो, कज्जा दे, देखने के लिए ले हिलाया, झंझोड़ा, मर चुका था, कह के मरा। इतनी तैयारी है किसी के पास मरने की। हम इतनी तैयारी रखते हैं कि अभी आकर अगर मलकुल मौत कहे कि तैयार हो जाओ, हम कहेंगे वी आर वेरी बिजी, वी कांट कम, हम नहीं आ सकते, बहुत बिजी हैं, अभी तो कई दुकानों का हिसाब बाकी है जो नमाज में करना है। हिसाब नमाज में करता है, पहली दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान। नमाज तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने वाली इबादत, आपको इंसान बनाने वाली इबादत, आपको बाखलाक बनाने वाली इबादत, आजमुल इबादत। नमाज मत छोड़ो दोस्तों, ये गफलतों को दूर करने वाली इबादत। जाकर वो कारिंदे ने अपने सेठ से यानी ख्वाजा फरीदुद्दीन से कहा कि वो तो मर गया है, जैसा उसने वादा किया था उसके मुताबिक मर गया, तो आप जाकर जरा देखिए, हिलाया तो मर गया था, कफनाया, दफनाया, सलाते जनादा पड़ी। और ख्वाजा साहब रोए कि वाकई इसकी मौत की तैयारी बड़ी जबरदस्त है और मैं इंतहाई तौर पर गाफिल हूं, आज से दुकान को बालाए ताक रखता हूं और अल्लाह अल्लाह में लग जाता हूं। मैंने आयत पढ़ी है आपके सामने, अल्लाह ताला फरमाते हैं इक्तरब लिन्नास हिसाबहुम, लोगों के हिसाब का वक्त रेडी है, लेकिन उनका आलम यह है कि न मौत की तैयारी है, न मौत का ख्याल है, न मरने का ख्याल है। और फरमाते हैं वहुम फी गफलतिल मुरिदून, भई गफलत से जागो, अपने आप को जगाओ, अपनी नस्लों को जगाओ। उरूज की बात करते हो तो मुजाहदे के लिए तैयार हो जाओ, बड़ा मुजाहदा नहीं करना है, दो काम कर लो, एक नमाज की पाबंदी कर लो, एक कुरान की तिलावत की पाबंदी कर लो, एक सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारना तय कर लो। मैं तमाम ही उलमा का जो बीजापुर से ताल्लुक रखते हैं शुक्रगुजार, और हमारे महबूब भाई उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ।
कि वो गाड़ी लेकर चले, मौलाना इकबाल साहब भी साथ चले, कल से साथ हैं। रात 3 बजे मुद्दे बिहार पहुँचे, वहाँ सुबह में बयान किया, आज का ये 4th बयान था जो आपकी खिदमत में मैंने पेश किया। अल्लाह ताला इन हजरात को जजाए खैर दे। हजरत मौलाना उस्मान साहब ने प्रोग्राम तरतीब दिया और आपकी खिदमत में मुझे पेश किया, मैं इनका और उलमा की कमेटी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप हजरात के आने को और सुनने को और बैठने को अपने फजल से मंजूर और कबूल फरमाए। दोपहर का माइक जो था वो 0 था, शाम का माइक 60% था और रात का माइक 100% है। ये अच्छा माइक है। अल्लाह ताला माइक वाले को भी बेचारे को समझ अता फरमाए कि उलमा के बयानात किस शान के साथ सुनवाए जाएं। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। है 8 बजे आया था, है फिर कम बाकी है, बस इससे ज़्यादा है। हाँ, अजान हो जाए। हमारे अब्बा मोहम्मद साजिद साहब का 1 साल 3 महीने से वो बीमार है। हमारे अब्बा की तबीयत जल्द ठीक हो जाए उसके लिए शिफा की दुआ की दरख्वास्त आप हजरात के खिदमत में पेश फरमाई। मौलाना उस्मान साहब के पास एक रुका आया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि 5 मिनट के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया जाए ताकि मजलिस का खुलासा और निचोड़ हमारे सामने आ जाए। तो अब से थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जहरन आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाता हूँ आपको, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ये जिक्र ख़त्म हो जाएगा। La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allah, la ilaha illallah.
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقديلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اشف علينا واسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں اے اللہ بہت غافل ہیں اے اللہ بہت غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ اگر تیرا کرم نہ ہو تو ہم برباد ہو جائیں کرم کے فیصلے فرما دے رحم کے فیصلے فرما دے گناہگار ہیں خطا کار ہیں ریاکار ہیں سیاکار ہیں پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصگار ہیں تیری مغفرت کے امیدوار کرم کی بھیک دے دے اے اللہ تو نے اگر دے دیا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے اے اللہ حالات کو سازگار فرما دے اے اللہ ملک کے حالات کو درست فرما دے اے الہ العالمین ہر قسم کی سیاسی پریشانیوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما بیماروں کو شفا کامل عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما نمازوں کا پابند بنا تلاوت قرآن کا شہدائی بنا پورے مجمع کی مغفرت فرما علماء کی حفاظت فرما ان کے کاموں کو قبول فرما ان کی مہمات کو قبول فرما مدارس کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما طلبہ کی حفاظت فرما جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم